नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महाराणा प्रताप का मंत्रणा स्थल मायरी की गुफा उपेक्षा का शिकार। तीन रास्तों वाली भूलभुलैया बन सकती है पर्यटन का केंद्र। LIC की बोली प्रभावित करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनेजर और वकील को गोली मारने की धमकी। UIT ने देबारी में की बड़ी कार्रवाई। 13 बीघा सरकारी जमीन करवाई खाली। कृषि उद्योग में कौशल विकास और दक्षता प्रबंधन कार्यशाला का हुआ आगाज। देश भर के विशेषज्ञ रखा। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप के शस्त्रागार की। महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध आज भी लोग याद कर कांप उठते हैं, क्योंकि उस दिन हल्दी घाटी में इतनी लाशें बिछी थी कि वहां की मिट्टी का रंग आज भी हल्दी जैसा है। लेकिन आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वो वही जगह है जहाँ से हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना रची गई थी। गोगुंदा के पास पहाड़ियों में स्थित मायरी की गुफा ही वो जगह है जो कभी महाराणा प्रताप की गुप्त मंत्रणा का स्थान हुआ करती थी। इसी जगह पर महाराणा प्रताप अपने सेना और सेनापतियों के साथ गुप्त मंत्रणा कर युद्ध के लिए तैयारियां करते थे। ये गुफा महाराणा प्रताप के शस्त्रागार के रूप में भी काम आती थी। आज भी गोगुंदा के पास ये गुफा मौजूद है, लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में वह अभी तक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकी है। घने जंगल में स्थित यह गुफा किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। शायद इसी वजह से इसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की विरासतों में शुमार मायरा गुफा की। यह वही गुफा है जहाँ बैठकर महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। हल्दी घाटी युद्ध से पहले और बाद में भी यह गुफा महाराणा प्रताप का शस्त्रागार और शरण स्थली रही थी। 1572 और 1597 के दौर में इस गुफा में बैठ के राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और वर्तमान में गोगुंदा की मोड़ी पंचायत में स्थित मायरा गुफा में स्थित रसोई आज भी इस बात की गवाह बनी है। महाराणा प्रताप ने इस गुफा को अपना शस्त्रागार और शरण स्थली इसकी सुरक्षित संरचना की वजह से ही बनाया था। इस गुफा से घने जंगल में स्थित होने से महाराणा प्रताप दुश्मन की आंखों से ओझल भी रहते थे और इसकी भूलभुलैया जैसी बनावट उन्हें और भी अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। दरअसल इसमें प्रवेश के तीन रास्ते हैं जो किसी भूलभुलैया से कम नहीं। सभी रास्ते पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे करने वाले और वर्षों तक अकबर के बराबर लोहा लेने वाले मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप इसी गुफा में अपनी रणनीति बनाते थे। मायरा की गुफा में रसोई घर और शस्त्रागार के साथ अश्वशाला भी थी। अश्वशाला में चेटक को बांधा जाता था। बताया जाता है कि 1576 में हुए हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के इस प्रिय अश्व चेतक की भी मृत्यु हो गई थी। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए थे। घने जंगलों के बीच स्थित खोखले पहाड़ को महाराणा प्रताप ने शरण स्थली के रूप में चुना और बताया जाता है कि इस पहाड़ के नीचे बनी गुफा में महाराणा प्रताप अपने 2000 से ज्यादा सिपह सलारों के साथ बैठकर मंत्रणा किया करते थे और युद्ध की रणनीति बनाते थे। दरअसल हल्दीघाटी का जो युद्ध था वो 18 जून 1576 को हुआ, लेकिन उसकी सारी तैयारी गोगुंदा, केलवाड़ा, ढोल, ये जो रास्ता था पुराना, इसके इर्द गिर्द हुई। संयोग से हल्दीघाटी के बिल्कुल मोर्चे पर मायरा की गुफा है, और ये गुफा एक ऐसा गुप्त स्थान था जहाँ बैठकर बातचीत करने से किसी को कानों कान खबर नहीं लगती, युद्ध की सारी रणनीतियाँ। और यही एक ऐसी स्थिति थी जहाँ वैसे तो पूरा ही मेवाड़ प्रदेश पूरा ही पहाड़ों से घिरा हुआ था, और यही लोग जानते थे किस रास्ते से हमें जाना है और शत्रु पर आक्रमण करना है। तो मायरा की गुफा का जो प्रताप के जीवन में महत्व है, या बल्कि प्रताप के बाद हम सब लोगों के जीवन में जो महत्व है, वो ये कि वहाँ महाराणा प्रताप के पुण्य चरण पड़े, वहाँ उनके निर्देश आज भी गूंजते दिखाई देते हैं कि हमें किस तरह से ये लड़ाई करनी है। मायरा की गुफा की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रताप ने जिस रणनीति को अख्तियार किया मुगल सेना के खिलाफ, और प्रताप और उनके सारे खास तौर से इस सेना में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था जांबाज और वयोवृद्ध, वो था राम शाह तोमर। उनको पता था कि मैदानी इलाकों में जीतने में ये मुगल या बाहर के लोग माहिर हैं, लेकिन पहाड़ी लड़ाई लड़ने में मेवाड़ी लोग माहिर हैं। ग्वालियर की और यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हूबहू
जो रणनीति अख्तियार की वो थी सर्प व्यू बनाना। और सर्प व्यू का मतलब होता है जैसे कुरुक्षेत्र में चक्र व्यू बनाया गया, जैसे दूसरी और लड़ाइयों में भी गरुड़ व्यू, पाश व्यू, मकड़ व्यू बनाए गए थे, वैसे के वैसे अपने यहाँ हल्दीघाटी की जो स्थिति है उसकी सारी रणनीति जो मायरा की गुफा में तय हुई कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, एक 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 करके हरावल में कौन, चंद्रावल में कौन, आगे पीछे बाएं चूजे बाएं, सब कुछ तो उन्होंने जो तय किया था वो सर्प व्यू बनाना, ये रणनीति यहीं पर तय की गई मायरा की गुफा में। मायरा की गुफा एक पवित्र स्थान इसलिए है कि मेवाड़ में जो अरावली पर्वतमालाएँ हैं उनमें बहुत कम जगह गुफाएँ हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण गुफा ये, और ये गुफा देवी की तरह से पूजी जाती है। प्रताप के लिए भी ये स्थान बड़ा आदरणीय इसलिए था कि इधर तो गोगुंदा के गणपति पूजे जाते हैं, युद्ध पर जाने से पहले गणपति पूजे गए, हर यात्रा से प्रयाण से पहले गणपति पूजे जाते हैं अपने यहाँ, और यहाँ की जो देवी है आज तो पूरा स्वरूप ही बदल गया, वहाँ पत्थर मिलने से लोगों को लाभकारी योजनाओं में लाभ लेना है एक तरह से, लेकिन अपने लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये जो विरासत हमारे पास है इसको हम बचा के रखें, क्योंकि यहाँ प्रताप के पुण्य स्मरण, पुण्य संस्मरण जुड़े हुए हैं। और फिर एक बात और खास बात ये रही, ये पूरा इलाका वो था जिनके आसपास की पहाड़ियों से बेड़च नदी शुरू होती है, जिसका प्रारंभिक नाम आहाड़ नदी है, ये उदय सागर के बाद जब नाला गिरता है तो ये बेड़च नदी हो जाती है। तो यही नदी एक ऐसा स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये गुफा आगे जाके फिर वेरा का मठ है उधर से तो बनास नदी निकलती है और यहाँ से ये नदी, तो मुझे लगता है कि एक स्थान को इसको अपने को बचा के रखना चाहिए। प्रताप बचे तो हमारी मर्यादाएं बचेगी, हमारा सम्मान बचेगा, हमारे प्रण बचेंगे और हमारे देश के लिए हितकारी संकल्प बचेंगे। यदि माहिरा की गुफा के साथ प्रताप का जो संबंध है उसको जीवन में प्रताप ने उतारा तो हम सबको भी उतारना चाहिए और इस विरासत को बचाने का एक प्रयास। पथरीले रास्तों से होकर इस गुफा तक पहुंचना अब मजबूरी हो गया है। महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं को भले ही अब स्कूलों में पढ़ाने की बातें की जा रही हो, लेकिन महाराणा से जुड़े ऐतिहासिक स्थल आज भी बदहाल हैं। महाराणा प्रताप की यादें आज भी मायरे की गुफा से जुड़ी हुई हैं और महाराणा प्रताप के कई भक्त इस स्थान पर जाकर इतिहास को समझना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए प्रशासन ने कोई रास्ता तक नहीं बनवाया। गोगुंदा से मायरे की गुफा जाने के लिए कुछ किलोमीटर तक तो सड़क है, लेकिन करीब 4 किलोमीटर तक पथरीले रास्तों से होकर पैदल गुफा तक पहुंचना होता है। यही नहीं, इस स्थान पर विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं करवाया गया। ऐसे में यह स्थान अब पैंथर जैसे खूंखार जंगली जानवरों का अड्डा भी बन चुका है। इस स्थान के बारे में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि अब जरूर कदम उठाने की बात कर रहे हैं और सबसे पहले यहां आने वाले रास्ते को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। ये महाराणा प्रताप की बहुत पुराना शस्त्रगार, और महाराणा प्रताप यहाँ जब युद्ध हुआ करता था वो तो यहीं रुके और बहुत सारी मंत्रणा की। यहाँ गुफा ये लोग बताते हैं वो कि अंदर 2000 लोग करीबन बैठ सकते हैं, इतनी व्यवस्था, और शस्त्रगार यहाँ रखा करते थे उस टाइम, या बहुत टाइम रहे। वो जो वो पुरानी कहानी, वो कविता है जैसे आ रहे घास रोटी वाला, वो यहीं का किस्सा है। और सरकार यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रही इसके विकास के लिए, कोई सरकार, कोई हर कोई भी सरकार आई, किसी सरकार ने यहाँ ध्यान नहीं दिया आज दिन तक। इस स्थल को विकसित करें तो राजस्थान के लिए, मेवाड़ के लिए, उदयपुर गोगुंदा के लिए, बहुत इतिहास के लिए बहुत अच्छा है, पर यह सरकार ध्यान दे रही। मेरी ये सरकार से ही गुजारिश है कि यहाँ पैसे लगा के विकास विकसित करें इसको। आज मैं भी मायरा की गुफा को देखने आया तो महाराणा प्रताप जब कहावत है कि अरे कासरी रोटी बेल मिलावड़ो ले भाग्यो, तो महाराणा प्रताप ने जब प्रतिज्ञा की थी कि मैं महलों में न रह के जंगलों में घूम घूम, मतलब मेवाड़ की आज़ादी के लिए इन्होंने जंगलों में घूम घूम कर यहाँ पर इन्होंने आश्रय स्थली बनाई, और जब सैनिक मतलब यहाँ हथियार जो इनके पास हथियार थे वो रहने के लिए मतलब रखने के लिए ये यहीं इसी गुफा में रखा करते थे। ये गुफा अंदर से खोखली, अंदर से बहुत गहरी अंदर से, और काफ़ी मतलब पुरानी बनी हुई है, और यहाँ पानी की भी इनके सब पर्याप्त तो सुविधाओं से यहाँ भरपूर थी, इसीलिए इन्होंने यहाँ आश्रय स्थली बनाई इन्होंने। अब यहाँ हम सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे रोड बनाने के लिए और इसको थोड़ा डेवलप करने के लिए सरकार को हम प्रस्ताव भेजेंगे स्थानीय जनप्रतिनिधि से मिलकर। राजपूताना की धरती हमेशा से ही अपने वीर सपूतों पर गर्व करती रही है। ऐसे में वीर सपूत थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका जन्म महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जीवत कंवर के घर 9 मई
उनका जन्म महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जीवत कंवर के घर 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ। उन दिनों दिल्ली में सम्राट अकबर का राज्य था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य का ध्वज फहराना चाहता था। मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने हेतु महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा, मैं महलों को छोड़ जंगलों में निवास करूंगा, स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर कंदमूल फलों से ही पेट भरूंगा, किंतु अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। प्रताप के इसी बलिदान और शौर्य गाथा की गवाह रही है यह मायरा गुफा। उदयपुर के भोपालपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की नीलामी को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल बेदला इलाके में स्थित एक दो मंजिला भवन की नीलामी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा की जा रही थी। इस नीलामी के लिए आरक्षित दर 40 लाख रुपए रखी गई थी। वहीं नीलामी लगाने वालों को 4 लाख रुपए प्राथमिक जमा कराने थे। अरविंद सिंह पाटिया और भैरू सिंह नाम के व्यक्ति ने भी इस नीलामी में बोली लगाने के लिए आवेदन किया, लेकिन इसके साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजर और वकील को फोन कर गोली मारने की धमकी दी और नीलामी में अन्य व्यक्तियों को भाग लेने से रोकने की बात कही। ऐसे में LIC द्वारा इसकी शिकायत भोपालपुरा थाना पुलिस को की गई। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि अरविंद सिंह पाटिया नाम का व्यक्ति आदतन अपराधी है और इस पर कई मामले पूर्व में भी दर्ज हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस सदारपुरा शाखा में कोई बोली नीलामी लग रही थी, उसमें 12-13 आदमियों ने बोली रुकवाने का प्रयास किया, नीलामी रोकने का प्रयास किया। उस मुद्दे को लेकर 13 आदमियों को शांति भंग में अरेस्ट किया, जिसमें अरविंद सिंह पाटिया पूर्व में भी अपराधी किस्म का आदमी है, उसको भी अरेस्ट किया। कोई बेलदा में मकान है जिसका LIC ऑक्शन कर रही थी, तो ये अपने पक्ष में ऑक्शन करना चाह रहा था, उस बात को लेकर यह शांति व्यवस्था भंग कर रहा था, इस पर अरेस्ट किया। हाँ, ये कुछ लोगों को उसने कहा मैं ये गोले चल जाएगी, ऐसा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रहा था, इस पर अरेस्ट किया। उदयपुर के नगर विकास प्रन्यास की टीम ने सोमवार को देबारी इलाके के सकदर गांव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। UIT का अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने इस दौरान 60 बिगल सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाते हुए 30 पक्के मकान के कब्जे भी ध्वस्त किए हैं। दरअसल UIT को पिछले कुछ समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में UIT सचिव रामनिवास मेहता सोमवार अल सुबह भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कब्जों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक JCB और पोकलेन मशीनों द्वारा कब्जे हटाने का काम किया गया। वहीं UIT के आला अधिकारी और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात रहा। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने UIT की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। लोगों का आरोप है कि UIT ने बिना नोटिस दिए इस तरह की कार्रवाई कर दी। इधर आ जाओ, शक्ल आ जाएगी, फोटो सुबह छप जाएगी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं, खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं।
We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is health. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटर प्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294-241-4256 और 9414-222-16। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 2640452 और 54। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है? अबे साली, लॉयर मैडम घर चला रही है। आहा, सो यू आर द मैन ऑफ द हाउस। इवन बेटर, I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास। पीसी ज्वेलर, नए जमाने के हीरे। पीसी ज्वेलर अब 28 फरवरी से उदयपुर शहर में भी, प्लॉट नंबर 20, रेजिडेंसी रोड, उदयपुर, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि उद्योग में कौशल विकास और दक्षता प्रबंधन को लेकर सोमवार को उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आगाज हुआ। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से कृषि क्षेत्र में बेहतरीन नवाचार के कार्य करने वाले कृषि उद्यमियों ने शिरकत की। इस दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से जुड़े छात्र छात्राओं और विशेष विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यशाला में कृषि क्षेत्रों से जुड़े हुए उद्योगों के लिए आवश्यक मेन पावर मुहैया कराने के साथ ही जरूरी टिप्स भी दिए गए। 2 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला के दौरान न केवल डेयरी और अन्य पाठ्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों को कैरियर निर्माण के सुनहरे रास्तों को खोला जाएगा, बल्कि कैसे एक छात्र रोजगार मुहैया कराने वाला उद्यमी बने, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। Your complete China has got a 350 CO2 equivalent. One example what I am giving you. Same way in every field. स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेनरशिप्स के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप है, और इसमें हमने दूसरे जो एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जिनकी कोई सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने इंडस्ट्री शुरू करने के बाद में सफलता अर्जित की है, और हमारे कृषि के जो विद्यार्थी हैं,
चाहे वो कृषि विषय से हैं, डेयरी के हैं, फिशरीज के हैं, होम साइंस के हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं और इंजीनियरिंग साइड से दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, उनको हम जब उनकी ट्रेनिंग देते हैं, उनकी जो बीएससी, एजी, एमएससी, पीएचडी और जो दूसरे अंडर ग्रेजुएट्स में, उनको 3 वर्ष तक तो उनको थ्योरी का पढ़ाया जाएगा और 1 वर्ष पूरी उनको ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराएंगे ताकि इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के मुतालिक हम अपने विद्यार्थियों को तैयार करेंगे ताकि वो और ख़ुद अपनी इंडस्ट्री वो खोल सके। तो वो इस वुड बी जॉब सीकर हो, जॉब प्रोवाइडर हो, जॉब सीकर न होने के बजाय वो जॉब प्रोवाइड करे और ख़ुद भी अपनी इंडस्ट्री खड़ी करें। तो इसके लिए हम ये 4th ईयर में एक ये कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उससे बच्चे और इंडस्ट्री से क्या रिक्वायरमेंट है उनको भी हम रिक्वायरमेंट लेकर ताकि उनका इन प्लांट जो है ट्रेनिंग भी करवाएंगे ताकि जैसे ही वो उनकी डिग्री पूरी हो वो उनको अपने यहाँ पर अपना जॉब दे सके। उदयपुर में सोमवार को ठोकर चौराहे के पास भव्य मेट्रो बाजार का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता मांगीलाल जोशी ने किया। मेट्रो बाजार के निदेशक लियाकत हुसैन ने बताया कि यहां पर घर की सजावट के सभी सामान की विशिष्ट वैरायटी रखी गई है, साथ ही मार्बल और हैंडीक्राफ्ट के शानदार डिजाइन मंगाई गई है। यहाँ पर मार्केट से सस्ती दरों में सामान उपलब्ध होगा। मेट्रो बाजार में नवीनतम ट्रेंड के अनुरूप डिजाइन उपलब्ध है। होली के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। होली पर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त की व्यवस्था की है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस के जवान वर्दी एवं सामान्य कपड़ों में भी जनता के बीच रहेंगे और सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि होली के मद्देनजर 1000 अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। होली पर्व को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था का हेतु पर्याप्त जाप्ता लगाया गया है। इस हेतु 4 एडिशनल SP, 14 डिप्टी SP, 43 SHO, इसके अलावा करीब 1000 जवानों को अतिरिक्त रूप से इस ड्यूटी हेतु लगाया गया है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर सादा वस्त्रों में भी कॉन्स्टेबल्स को नियुक्त किया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तो उस पर निगरानी रखी जाए। वृंदावन के सुप्रसिद्ध ग्रुप ने कृष्ण महाराज और फूलों की होली का ऐसा मंचन किया कि हर एक दर्शक ने वृंदावन की असली होली का अनुभव किया। बनेड़ा कैसल गार्डन में वैश्य समाज द्वारा रविवार देर रात तक आयोजित फागोत्सव और कृष्ण रास लीला के साथ वृंदावन की होली भी खेली गई। मंच पर प्रदर्शित महारास और फूलों की होली ने एक बार की आस्था को जीवंत कर दिया। वहां उपस्थित हर शख्स श्री कृष्ण और राधा संग होली खेलने को आतुर नजर आया। इस दौरान 150 किलो फूलों से श्री कृष्ण एवं राधा स्वरूप को होली खिलाई गई। उज्जैन के महाकाल में होने वाली भस्म आरती की प्रस्तुति देख दर्शक अभिभूत हो उठे। माँ पार्वती द्वारा शिव की वंदना और महाकाल द्वारा भस्म आरती का दौरा करीब 30 मिनट तक चला। इस बीच पूरा वातावरण शिवमय हो गया। इस रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश वंदना से हुआ। कलाकारों ने माँ दुर्गा के 4 रूपों को भी बखूबी प्रस्तुत किया। छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी जा रही पिकअप गाड़ी पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 जने घायल हो गए। बड़ी सादड़ी के मजदूरों से भरी पिकअप हिगोरिया गांव के पास पलटी खा गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 15 जने घायल हो गए, जिन्हें उदयपुर के MB चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महाराणा प्रताप का मंत्रणा स्थल मायरी की गुफा अपेक्षा का शिकार। 3 रास्तों वाली भूलभुलैया बन सकती है पर्यटन का केंद्र। LIC की बोली प्रभावित करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनेजर और वकील को गोली मारने की धमकी। UIT ने देबारी में की बड़ी कार्रवाई। 13 बीघा सरकारी जमीन करवाई खाली।
कृषि उद्योग में कौशल विकास और दक्षता प्रबंधन कार्यशाला का आगाज, देश भर के विशेषज्ञों का चर्चा। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल उदयपुर देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज़, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करनी होगी। उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।